नमस्कार, मैं सुशील पाल और एनपीटीवी इंडिया के इंस्पायरिंग इंडियन अवार्ड्स 2023 के इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। वो कहते हैं ना कि जब तक आप खुद को तराशते नहीं है तब तक दुनिया आपको तलाशती नहीं है, और एनपीटीवी इंडिया ने ऐसे ही लोगों को तलाशा है जिन्होंने खुद को तराशते हुए भारत का नाम रोशन किया है। इंस्पायरिंग इंडियंस अवार्ड्स 2023 के इस मंच पर हम आज कुछ ऐसे प्रतिभावान लोगों का सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा और काम के जरिए हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है और समाज को जागरूक कर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो चलिए घोषणा करते हैं इंस्पायरिंग इंडियंस अवार्ड्स 2023 के उन नामों की जिन्हें आज यह सम्मान दिया जा रहा है। तेलंगाना के डॉक्टर डेविड प्रभाकर बंडी को इंस्पायरिंग राइजिंग स्टार बल्स फास्टेस्ट गिटारिस्ट 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आप दुनिया के सबसे तेज गिटार वादक हैं। डेविड प्रभाकर बंदी ने 28 सेकंड में 1708 BPM बीट्स प्रति मिनट की गति से फ्लाइट ऑफ द बम लंबी बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आप विश्व रिकॉर्ड बनाने के साथ युवा पीढ़ी को गिटार बजाना भी सिखा रहे हैं। गुजरात की डॉक्टर मोनिका शर्मा को वुमेन एजुकेशनिस्ट 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर मोनिका शर्मा शिक्षा क्षेत्र में बेहद निपुण और समर्पित पेशेवर हैं, जिसकी वजह से आपको अपने असाधारण योगदान के लिए ढेर सारे पुरस्कार और प्रशंसाएं भी मिली है। वर्तमान में आप PhD कर रही हैं। आपने NEET और CBSE बोर्ड की परीक्षा अधीक्षक के रूप में सफलतापूर्वक पूरी करवाई है। CBSE परीक्षा मूल्यांकन केंद्र के प्रमुख के रूप में आपने 11वीं और 12वीं कक्षा की समता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको सम्मानित नारी से नारायणी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बड़ोदरा की तनिष्का कामली को इंस्पायरिंग क्रिएटिव यंग टैलेंट एंड एथलेटिक्स पर्सनैलिटी 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। तनिष्का कामली राष्ट्रीय स्तर की एथलीट और एक वैश्विक व्यवसायी महिला है। आपने एथलेटिक्स, टेनिस जैसे विभिन्न खेलों में 100 से अधिक पदक और ट्रॉफियां जीती हैं। आपने संयुक्त अरब अमीरात महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया है। SP जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट में लगातार 4 सालों तक आपको ग्लोबल लीडर और सिटीजन ऑफ द ईयर के तौर पर नामित किया गया है। तनिष्का अपने स्थायी बिजनेस BR पैक का नेतृत्व कर रही है। आप भारत को ग्लोबल स्तर पर ले जाकर संयुक्त अरब अमीरात में अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी सफलतापूर्वक चला रही है। मुगलसराय के डॉक्टर अभिमन्यु पांडे को इंस्पायरिंग होम्योपैथिक डॉक्टर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर अभिमन्यु मुगलसराय में समर्पित होम्योपैथिक क्लिनिक और अनुसंधान केंद्र के प्रबंध निदेशक हैं और देश के अग्रणी युवा होम्योपैथिक डॉक्टरों में से एक है। आप साक्ष्य आधारित अनुसंधान कार्य, उच्च मानक शास्त्रीय हैनीमेनियन होम्योपैथिक शिक्षण के माध्यम से होम्योपैथिक को दुनिया भर में मुख्य धारा की चिकित्सा प्रणालियों में सबसे आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध। महाराष्ट्र की आर्किटेक्ट श्रद्धा शिवरी को क्रिएटिव बिजनेस वुमेन 2023 की किताब से सम्मानित किया जाता है। श्रद्धा एक आर्किटेक्ट है और आयरनिक आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स की संस्थापक है। आपकी फर्म ठाणे और नवी मुंबई में स्थित है, जिसे 2017 में स्थापित किया था। आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर एंड आर्किटेक्ट्स ठाणे से पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्रद्धा IIA और IID एसोसिएशन की एक समिति सदस्य भी है। तेलंगाना के बोजिया भारत सीमा रेड्डी को इंस्पायरिंग इनोवेटिव यंग डायरेक्टर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। BBS रेड्डी ने 2018 में कॉलेबजेनिक के नाम से बिजनेस शुरू किया। आज कॉलेब ग्रुप में कॉलेबजेनिक्स, कॉलेब एंटरप्राइजेस, कॉलेब स्कूल ऑफ फाइनेंस टेक्नोलॉजीज और मैथलॉग IT सॉल्यूशंस शामिल हैं। अब रेड्डी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी कारोबार का विस्तार कर रहे हैं। गुरुग्राम की डॉक्टर बिंदु राठौड़ को इंस्पायरिंग वुमेन बिजनेस लीडर 2023 की किताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर बिंदु राठौड़ एक सफल बिजनेस लीडर हैं। आपने एसेंट टेक्नोलॉजी और वेब टोटल सर्विसेज की स्थापना की और बेहद कम समय में ही अमेरिका, UAE, सिंगापुर और भारत की सीमाओं में इसका विस्तार किया। बड़ोदरा की कामना भट्ट को इंस्पायरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर 2023 की किताब से सम्मानित किया जाता है। कामना भट्ट किड्स ग्लोरी प्ले सेंटर के संस्थापक हैं। आपके पास शिक्षा क्षेत्र में 17 वर्षों का अनुभव है
और थिएटर नाटक के क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है। आपको भारत के प्रेरणादायक रत्न 2022 से सम्मानित किया गया है। कामना ने टेलीविजन, थिएटर और कई राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया है। केरल की ज्योति जोशी को इंस्पायरिंग वुमेन एजुकेशनिस्ट 2023 की खिताब से सम्मानित किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी यात्रा संयुक्त अरब अमीरात से शुरू हुई। आप साल 2000 से शिक्षा क्षेत्र में हैं। आपको दिसंबर 2020 में शिक्षा गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। केरल के सजीव बी को इंस्पायरिंग एजुकेशनिस्ट 2023 की किताब से सम्मानित किया जाता है। सजीव बी श्री विजय शिवश्री हाई स्कूल चेरियानाडू केरल में अंग्रेजी विषय के शिक्षक हैं। आप एक शोधकर्ता, पावर लिफ्टिंग चैंपियन, एंकर, वक्ता, मिमिक्री कलाकार, नाटक और लघु फिल्म में अभिनेता है। आपने एक साथ 3 प्रकार के अंग्रेजी वाक्य और 30 सेकंड में 48 वाक्य सुनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। गाजियाबाद के कमल कसाना को इंस्पायरिंग वुमेन 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। आप लोटस वर्ल्ड की संस्थापक हैं, जो पारंपरिक स्कूल सेटिंग और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म दोनों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। आपने गूगल और ग्रेट लर्निंग से 70 प्रमाण पत्र अर्जित किए हैं और 7 लोगों की जान बचाई। आपको वुमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर के रूप में भी सम्मानित किया। जम्मू के रोहित आनंद को एक्सीलेंट शेफ 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। आपने होटल ग्रैंड हयात के साथ अपना करियर शुरू किया और धीरे धीरे अनुभव के साथ इंडस्ट्री में आगे बढ़ते गए। रोहित ने फूड मेकिंग में दुनिया में अब तक 22 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त किया है। रोहित अभी TRG होटल जम्मू में एग्जीक्यूटिव शेफ के पद पर कार्यरत है। चेन्नई की जे चंद्रलेखा को एक्सीलेंट टीचर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। जे चंद्रलेखा ने गणित शिक्षक के रूप में शुरुआत की और आपने शैक्षणिक क्षेत्र के साथ छात्रों को अन्य गतिविधियों में शामिल कर उन्हें कई पुरस्कार भी दिलवाए। आपके काम और ईमानदारी को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2014 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया। नोएडा की मोना दुबे को इंस्पायरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। मोना ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ब्रिजिंग बैरियर बाल विकास केंद्र के प्रबंध निदेशक हैं। आप एक विशेष शिक्षक और भाषण चिकित्सक हैं। आपके पास विशेष जरूरतों वाले बच्चों और ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी सीखने जैसे विकास विलंबित बच्चों के साथ काम करने का 5 साल से अधिक का अनुभव है। तमिलनाडु की बी मरियम्मल बला मुरुगन को इंस्पायरिंग वुमेन सोशल आइकन 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। आपने कोरोना महामारी के दौरान निशुल्क 7500 मास्क, खाद्य पदार्थ, सब्जियां वितरित की। आपने 2019 में स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली निकाली और इसके साथ ही सैनिटरी नैपकिन पर जागरूकता सर्वेक्षण घर घर जाकर चलाया। आपने माचिस की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को मुफ्त कॉस्मेटोलॉजी प्रशिक्षण दिया, जिसकी वजह से आज वो सभी ब्यूटी सैलून खोलकर स्वयं आय अर्जित कर रहे हैं। जालंधर की कीरत प्रीत को यंग क्लासिकल डांसर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। 10 वर्ष की कीरत कक्षा 4 में पढ़ती है। आपने क्लासिकल डांस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इसी के साथ कीरत को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तमिलनाडु की यक्षा प्रदीप को यंग टैलेंट अचीवर 2023 की खिताब से सम्मानित किया जाता है। रिवरसाइड पब्लिक स्कूल कोटागिरी में पढ़ने वाली 9 वर्षीय यक्षा प्रदीप ने 5 बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाए। आपने आग के साथ हुला हुप्स 1 मिनट में 115 स्पिन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है।